एक बिचारे एक बाबा है, एक बाबा है जो नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ने की तालीम है। और हम क्या बोलते हैं, हम सिर्फ दिलों पर दस्तक देते हैं, हम सिर्फ दिलों पर दस्तक देते हैं। उन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम में जाकर कहा कि ओवैसी हिंदुस्तान पर बोझ है, ओवैसी जिस घड़ी पैदा हुआ वह शुभ घड़ी थी। हम उनको कहना चाहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था आसमान खुले थे, हवाएं चल रही थी और मेरी अम्मा ने देखा कि रात में पूरे आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। हम तो अच्छी घड़ी पैदा हुए, हमारी अम्मा बोलती हमको, मगर बाबा बोलते नहीं अशुभ घड़ी पैदा हुआ। अरे बाबा, हमारा वजूद तुम्हारे लिए अशुभ हम जानते हैं, मगर याद रखो ये वतन मेरा है और यहां पर हम थे है और रहेंगे इंशाल्लाह। और इन तमाम लोगों को हम पैगाम देना चाहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत हमारे अब्बा का मुल्क है। कैसे अब्बा का मुल्क है, बाबा आदम जो वहां से निकले तो पहला कदम यहां पर रखे, तो अब्बा का जब मुल्क हो गया तो बेटे और बेटी को हक से महरूम नहीं रखा गया। ये अब्बा का मुल्क है और अब्बा के मुल्क के लिए हम हर चीज करते आए और करते रहेंगे। किसी ने कह दिया कि ये दहशत गर्द है, किसी ने कह दिया कि जब रिव्यू पिटीशन डाली गई तो कहा कि ये तनाव पैदा करना चाहता है जालिमों। जब साबरीमाला का केस का रिव्यू डाला गया, जब तुम्हारी जबानों को क्या हो गया, साबरीमाला का जब केस डाला गया रिव्यू के लिए तुम्हारी जबानों को क्या हो गया, SC ST एक्ट का रिव्यू डाला गया जब तुम्हारी जबानें खामोश क्यों थी। अरे हमको जमहूरियत पर यकीन है, हम अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लड़ना चाह रहे हैं कि जमहूरी तौर पर हमारी लड़ाई जमहूरियत की है। अब तो हद ये हो गई मेरे भाई कि पड़ोस में बंगाल की रियासत, वहां पर ममता को भी तकलीफ शुरू हो, ममता भी कह रहे हो ऐसी नहीं आना। अरे टीवी का कैमरा है, बंगाल के आप चीफ मिनिस्टर हैं मोहतरमा, ये आपको जेब नहीं देता कि आप अपनी जबान से बंगाल के पुलिस के लोगों को कहे कि ओवैसी को जलसे की इजाजत नहीं देना। मैं बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहबा से बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा तो इंशाअल्लाह ताला बंगाल के कोने कोने में जाकर ये मुल्क मेरा है, जमहूरियत मुझे इसकी इजाजत देती है। आप चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर हो सकते हैं, रघुवर दास झारखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी हो सकते हैं, मगर याद रखो तुम खुदा नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो। और मैं सिर्फ खुदा से डर रहा हूं, मैं सिर्फ खुदा से डरने का इल्म हासिल कर रहा हूं, मुझे खौफ सिर्फ खुदा का है। इंसानों की ताकत मेरी आंखों में धूल के बराबर भी नहीं। ये मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है और मैं संविधान को सामने रखकर अपनी बातों को रखा हूं। मैं जमशेदपुर की आवाम से गुजारिश करने आया हूं कि आपको 7 दिसंबर के दिन अपना एक एकॉर्ड का इस्तेमाल करना है। मेरे भाई, बड़ी तकलीफ होती है कि जिस जगह को हमने क्या क्या समझा था आज वो जगह भी हमसे छीन ली गई। अब क्या क्या कहूं तुमसे, मगर इतना तो कहूंगा
कि मैं मायूस नहीं हूं, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, मुझे हिंदुस्तान के उन तमाम हिंदुस्तानियों पर आज भी भरोसा है और कल भी रहेगा जो गांधी और अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं, जो मौलाना आजाद की इस तकरीर के जुमले को आज भी याद रखते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद पर मौलाना ने कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजारने जा रहे हो। सुन लो इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों, अब हम फरार की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, ये मुल्क हमारा है और रहेगा, हम यहीं पर रहेंगे, अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे, अपनी तहजीब को बरकरार रखेंगे, अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और जब से तुम की आवाम तबरेज अंसारी की रूह तुमको एक पैगाम दे रहे हैं, तबरेज अंसारी की रूह तुमको एक पैगाम दे रही है, और मुझे कहने दो आज कि तबरेज अंसारी की रूह तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि जब तक तबरेज ने अपना नाम तबरेज नहीं कहा था तो गोडसे की औलाद उसको कम मार रहे थे, जब तबरेज ने अपना नाम तबरेज कह दिया तो जालिमों ने उसको खूब मारा। आज तबरेज की रूह तुमसे पुकार कर कह रही है कि जब मैंने अपना नाम तबरेज नहीं कहा और जब अपना नाम तबरेज कहा तो मुझको खत्म कर दिया गया।